दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र में बैठे हुए हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा सरकारी नौकरी का योग बनाते हैं। यदि मंगल और शनि की स्थिति बहुत मजबूत है, षटबल में भी उन्हें बहुत अच्छा स्कोर मिला हुआ है, तो ये भी दर्शाते हैं कि आपको सरकारी नौकरी बड़ी सरलता से और आसानी से मिल जाएगी। अब ऐसे लोग क्या करें जिनकी कुंडली में योग भी बना हुआ है लेकिन सरकारी नौकरी उनको काफी मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं कि आप अपनी रेगुलर जो डेली आप पूजा करते हैं उसके अंदर आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। ये चीज करने से आपका जो सूर्य है उसकी स्थिति काफी मजबूत बन जाती है। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और यदि योग बन रहा है और फिर भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो क्या कारण है उसका और किन उपायों के द्वारा उन चीजों को ठीक किया जा सकता है, तो आज ही आप हमें कॉल कर सकते हैं एस्ट्रो लाइव पर और बात कर सकते हैं अपने पसंदीदा एस्ट्रोलॉजर से। तब तक के लिए धन्यवाद।